हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2016-17 के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसको कवर कर रहे हैं, और ये जो है इस सेशन का पार्ट 10 है। और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 9 तक के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 9 तक के वीडियो देख लिए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके प्रीवियस ईयर से एक भी प्रश्न ना छूटे आपके एग्जाम में। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे आप लोगों को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको खोजने की जरूरत ना पड़े वीडियो को। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज्यादा टाइम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है गोवा की। तो गोवा जो राज्य है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये कोंकणी है, यानी कि कार्यकारी भाषा जो है कार्यालय भाषा ये कोंकणी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। तो मैडम कारा जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था मैडम कामा ने। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप T20 2016 में मेजबान देश के अलावा अन्य कितनी संपूर्ण सदस्य टीमें थी। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप T20 2016 में जो है मेजबान देश के अलावा जो है अन्य जो है 9 टीमें संपूर्ण सदस्य टीमें थी। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसी के आधार पर जो है वस्तु जो है पानी में तैरती है, जैसे कि नाव जो है पानी में तैरता है किस सिद्धांत से, तो ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत से तैरता है। नेक्स्ट है, म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति का नाम बताएं। तो म्यांमार के पहले जो सिविलियन राष्ट्रपति थे इनका नाम था हतीन कयाव। हतीन कयाव जो थे म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है। तो सूर्य और धरती के बीच जो है अनुमानित दूरी जो है 14.96 × 10⁻⁷ किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज 1 के 27/4/2016 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹125 और ₹10 मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ₹125 और ₹10 के मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के जारी किए, और इसको जो है बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए से दोनों सिक्कों को जारी किए हैं। नेक्स्ट है, गुलानाबाद की लड़ाई महमूद होतकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी। तो गुलानाबाद की लड़ाई जो है मोहम्मद होतकी के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए क्यों। तो माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें धातु के बर्तन की जगह जो है चीनी के मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है, क्योंकि जो है चार्ज जो है धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है, इसीलिए जो है चीनी के मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए माइक्रोवेव ओवन में। नेक्स्ट है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है। तो बेलूर मठ जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, अमृत योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो अमृत योजना जो है आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पहल है अमृत योजना, और यह जो है अमृत योजना यह जो है अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया है। तो भारत में ASLV जो है पहली बार 1987 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यूज किया गया है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। तो लोकतंत्र एवं विकास के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए
जो है राजीव गांधी के द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम था एल एम सिंधवी समिति, एल एम सिंधवी समिति इस समिति का नाम था। नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार व अध्ययन से संबंधित है? तो चिकित्सा विज्ञान की जो है हेप्टोलॉजी जो प्रशाखा है यह यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट है, भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी का रंग लाल होता है या कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के छोटे हिस्सों में पाए जाने वाली जो मिट्टी है इसका नाम है लेटराइट मिट्टी, जो कि इसका रंग जो है लाल रंग का होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस का नाम क्या है? तो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से जो संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और इसके इस्तेमाल में किया जाने वाले डिवाइस को मॉडेम कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 यानी कि 2015 में हुआ था, यह जो लोकप्रिय है नाम COP21, यह जो है इसका आयोजन पेरिस शहर में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन से पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अंततः कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है? तो बोस आइंस्टाइन घनीभूत पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो कि बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER जो है किसे संदर्भित करता है? तो CER का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ जो है गेंद के अनुसार करता है क्यों? तो एक अच्छा क्रिकेटर जो है क्षेत्र रक्षक तथा तेज गेंद को जो है कैच करने के लिए जो है अपने हाथ को गेंद की दिशा में मूव करता है क्यों? क्योंकि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है और वह गेंद रुक जाता है उसके हाथ में। नेक्स्ट है, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कौन बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोच के लिए नया UN सद्भावना राजदूत बन गए हैं? तो पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो है इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोच के लिए नया UN सद्भावना राजदूत बन गए हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो मानव रक्त जो प्लेटलेट्स है यह प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जिसके कारण रक्त के थक्के बनने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है, कौन भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह जो है वोडेयार महाराज का निवास भी था? तो भारत का जो मैसूर महल है यह सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह जो है वोडेयार महाराज का निवास भी था, मैसूर महल। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि स्मृति भावनाओं को केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो है सेरेब्रम जो हिस्सा होता है यह बुद्धि स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? तो इनसेट उपग्रहों की जो श्रृंखला है इसका प्रमुख उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों के लिए TV का प्रसारण करना। नेक्स्ट है, मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली जो है जड़ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, Apollo 11 जो है पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो अपोलो 11 जो है यह पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे जो है मानव यानी कि मनुष्य जो है चांद पर उतरा था और अपोलो 11 को जो है प्रक्षेपित किया गया था 1969 में। नेक्स्ट है, BCCI के प्रथम लोकपाल यानी कि आचार अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के प्रथम लोकपाल यानी कि आचार अधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति AP Shah को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लेवनीकरण जंग से बचाने वाली प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्लेवनीकरण जो है जंग से बचने वाली यानी कि जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है, इसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? तो पूर्ण वैध संचार चैनल का एक उदाहरण जो है टेलीफोन की बातचीत है।
नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग जो है लाल नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो दो प्राथमिक रंग जो है लाल और नीला, और इसके मिश्रण से जो है प्राथमिक सेकेंडरी रंग जो है मैजेंटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है? कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहता है, कभी कभी जो है इसे भारत के महान ढलान भी कहता है। तो पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है यही भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट में लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे अधिक आकर्षण के केंद्र में से एक है पश्चिमी घाट। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि भारत के महान ढलान के रूप में पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी का नाम बताया जिसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सभी देशों में और सभी खेलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखना और कोड शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी का नाम है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सभी देशों में और सभी खेलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखना और कोड शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2014 के लिए 24वां सशस्त्र सम्मान जो है किसे दिया था? तो भारत के राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 2014 के लिए 24वां सशस्त्र सम्मान जो है यह एम वीरप्पा मोइली को दिया था। 24वां सशस्त्र सम्मान जो है एम वीरप्पा मोइली को दिया था प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में जो है विकसित देश जो है 2000 तक पूरी तरह से CFL उत्पादन कर ले, इसका फैसला लिया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश का एक साल कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है? तो प्रकाश का जो एक साल होता है यह 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे आरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज वन के 28/4/16 के शिफ्ट वन को। तो पहला प्रश्न है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल जो है बायो रिजर्व यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उनका नाम क्या है? तो राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा किया था उसका नाम है सोयू टी 11 इस अंतरिक्ष यान का नाम है। नेक्स्ट है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेक्टर राशि का उदाहरण है वेग। नेक्स्ट है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1893 में जो है विश्व के धर्म संघीय संसद में जो है भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है, मिस्र के प्रतीक युक्त खेलों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? तो मिस्र के प्रतीक युक्त खेलों की प्राचीन शैली को जो है हायरोग्लिफिक्स कहता है इसे। नेक्स्ट है, जिनमें सभी नोट्स यानी कि कार्यस्थल और अन्य डिजाइन सीधे एक सामान्य केंद्रित कंप्यूटर से जुड़े होते हैं यह लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन क्या कहलाता है? तो स्टार में जो है सभी नोट्स यानी कि कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं स्टार में, यह लोकल एरिया नेटवर्क जो है स्टार कहलाता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली को जो है देश की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो है जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी कहता है। नेक्स्ट है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न होती है जो मिट्टी से सौंधी खुशबू उसे क्या कहते हैं? तो बारिश के तुरंत बाद जो मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है इसे टेम्पस वर्नम कहते हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल क्या है? तो काली मिट्टी के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल जो है कपास की खेती है। नेक्स्ट है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर जो है इसकी सवारी में जो है गुरुत्वीय यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स ने मूल रूप से जीका नाम की कार का नाम बदलकर क्या रखा है? तो टाटा मोटर्स ने मूल रूप से जीका नाम की कार का नाम बदल करके टियागो रख दिया है। नेक्स्ट है, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर एम्पायर को फरवरी 2016 में 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है?
तो असद राउफ जो पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर हैं, इसी को फरवरी 2016 में 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? तो सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को जो है सौर प्रज्वल यानी कि सोलर फ्लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, लासा यानी कि मुसली लेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो लासा यानी कि मुसली लेज को जो है पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ग्लू के रूप में उसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, किसका अर्थ होता है टायरिंग लिजार्ड किंग? टायरिंग लिजार्ड किंग जो है टायरोनोक्सस रेक्स का अर्थ होता है। तो टायरोनोक्सस का अर्थ क्या होता है? टायरिंग लिजार्ड किंग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी यानी कि ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय विधानसभा के अनुसार जो है 22 भाषाओं को जो है कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं को। नेक्स्ट है, आसूद जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो आसूद जल यानी कि डिस्टिलाइज्ड वाटर जो होता है इसमें मछली जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि परासरण यानी कि ओमिसस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो था आर्यभट्ट, इसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी कि खरापन क्या है? तो स्टर्लिंग सिल्वर की न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता जो है यानी कि खरापन, यह 925 है। नेक्स्ट है, स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? तो स्नूकर का खेल जो है 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। नेक्स्ट है, टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो टकला माकन रेगिस्तान जो है चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, संपीड़न प्रारूप जो होता है वीडियो कॉम्प्रेशन फॉर्मेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो संपीड़न प्रारूप जो है वीडियो कॉम्प्रेशन फॉर्मेट में जो है WMV का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तिरुकुल्लर नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसके संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुकुल्लर जो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है इसके संकलनकर्ता तिरुवल्लूर है। तिरुवल्लूर जो है यह तिरुकुल्लर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता है। नेक्स्ट है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, कहाँ खेला गया था? तो 1930 में जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था जिसे जो है तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, यह जो है खेल 1930 में जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था यह हैमिल्टन शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन होता है? तो प्याज काटते समय जो है आंखों में जलन पैदा करने वाला जो यौगिक होता है इसका नाम है सल्फर। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। नेक्स्ट है, किस शहर को प्राचीन समय में डेसिनायडू कहा जाता है? तो चित्तौड़ शहर को जो है प्राचीन समय में डेसिनायडू कहा जाता था। नेक्स्ट है, एक एमएस एक्सेल शीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फॉर्मूला दर्ज करने के लिए फॉर्मूला से पहले क्या आना चाहिए? तो एक एमएस एक्सेल शीट पर जब काम करते हैं तो एक कक्षा में कोई भी फॉर्मूला दर्ज करने से पहले जो है फॉर्मूला के पहले जो है इक्वल का चिन्ह आना चाहिए, फॉर्मूला से पहले जो है इक्वल का चिन्ह आना चाहिए। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेंपल ट्रीज कहा जाता था? तो श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को जो है टेंपल ट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो लगभग जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द है इसका नाम है भूमि विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज वन के 28/4/2016 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार 2015 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीईओ कौन थे?
तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार 2015 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो सीईओ थे इसका नाम था लार्स रेबिन सोरेनसन और नोवो नॉर्डिक्स। नेक्स्ट है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संसद में जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, इनका नाम था गणेश मालवंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? तो वोल्टेज को स्थिर रखते हुए जो है यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी में परिपथ में जोड़ा जाता है तो उस परिपथ को जो है कुल धारा जो है उसकी घट जाती है। नेक्स्ट है, भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य से शुरू हुई थी? तो भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण यानी कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पौधों के विकास को नापने के लिए जो एक उपकरण है क्रेस्कोग्राफ, इसका आविष्कार जो है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो थे श्री गुप्त थे। नेक्स्ट है, एंटोनियो मेयोसी किसके आविष्कार से संबंधित है? तो एंटोनियो मेयोसी जो है यह टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा तीव्र जठरंत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो हैजा जो तीव्र जठरंधक संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है हैजा, यानी कि हैजा जो है जल से होता है। नेक्स्ट है, सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर जो था लाइका नामक एक कुत्ता था। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस यानी कि नगद रहित देश बनने के कारण सुर्खियों में रहा? तो स्वीडन यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत किया तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस यानी कि नगद रहित देश बनने का कारण जो है सुर्खियों में रहा था स्वीडन देश। नेक्स्ट है, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग जो है रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है, रिमोट सेंसिंग प्रयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो जैन धर्म समुदाय को जो है 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो निम्न दाब के कारण जो है बादल आकाश में तैरते हैं। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वर्ष 2005 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट जो है क्लिनिकल थर्मामीटर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो आयोडीन जो परमाणु है इसका व्यास जो है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तीरंदाजी की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी? तो 1900 ईस्वी में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तीरंदाजी खेल का आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट है, किस प्रीमियर घड़ी निर्माता ने एक स्मार्ट लग्जरी घड़ी बनाने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है? तो टैग ह्यूअर प्रीमियम घड़ी जो है इसी के निर्माता एक स्मार्ट लग्जरी घड़ी बनाने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट है, अलसेन ओतारा क्या है? तो अलसेन ओतारा जो है आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति जो है अलसेन ओतारा है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए जो है लोकमान्य जो तिलक थे उसके द्वारा केसरी अखबार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, एक एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है किससे बना होता है? यह जो है सिलिकॉन से बना होता है। एक एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहते हैं यानी कि जितने भी चिप या मदरबोर्ड्स होते हैं कंप्यूटर के
मेमोरी, ये सब जो है सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो कोशिका अंग है यह पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशील परिवर्तन के कारण हुआ है? तो उत्परिवर्तन एक विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित लक्षणों के अचानक परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। नेक्स्ट है, वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह स्वमीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है? तो वह दार्शनिक प्रणाली जो है निश्चयात्मकता है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो एमएस एक्सेल के एक फंक्शन के अंदर जो है दूसरे फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, कौन सी मूर्ति आजादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई थी? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो मूर्ति है यह आजादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार के द्वारा डिजाइन की गई थी। नेक्स्ट है हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर यानी कि 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हनमकोड़ा शहर में जो स्थित है एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर जिसका नाम है हजार स्तंभ मंदिर यानी कि 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण रुद्रदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट अंगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की जो एंड्रोलॉजी शाखा जो है यह पुरुषों के विशिष्ट अंगों एवं स्थितियों के संबंधित है, यह जो है पुरुषों के विशिष्ट अंगों एवं स्थितियों से संबंधित है एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का किताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर का किताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला है इनका नाम है हम्पी कोरोनू। तो हम्पी कोरोनू जो है यह शतरंज में ग्रैंड मास्टर का किताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। नेक्स्ट है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल हैं? तो मलेशिया के झंडे में जो है लाल और सफेद रंग की जो है पट्टियां बारी बारी से 14 बार शामिल हैं। नेक्स्ट है, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसीसी का पूरा रूप होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है आईपीसीसी का पूरा रूप होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज वन के 28/4/2016 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो एमएस डॉस के लिए जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम जो है मस्तिष्क है। नेक्स्ट है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में जो है 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में जो है विपरीत परासरण जो प्रक्रिया होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व जो है उत्कृष्ट गैस होते हैं। नेक्स्ट है, 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा की वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगा? तो 5 ओम प्रतिरोध वाले जो एक परिपथ है इसमें यदि धारा की वृद्धि होती है तो वोल्टेज जो है यह भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है यह अहमदाबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ओलंपिक में जो है बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर जो है 1992 ईस्वी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, दुर्लभ साइबेरियाई सारस जो है कहाँ नियमित रूप से आया करते थे जो एक वैश्विक विरासत स्थल की भी है?
तो दुर्लभ साइबेरियाई सारस जो है यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आया करते थे, जो एक वैश्विक विरासत स्थल भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो भौतिक और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता जो है मैरी क्यूरी है। मैरी क्यूरी जो है भौतिक और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह जो है मैटसैट क्या है? तो इसरो के द्वारा जो है निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह जो है मैटसैट यह भू समकालिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवित चीजों पर जो है मृदा के प्रभाव का अध्ययन जो है मृदा विज्ञान की जो है एडाफोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। नेक्स्ट है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है? तो जब एक पत्थर को जब हम लोग ऊपर आसमान की ओर फेंकते हैं तो यह जब शीर्ष पर पहुंच जाता है तो उसका वेग जो है शून्य हो जाता है, अतः त्वरण जो है लगभग 10 मीटर/सेकंड² हो जाता है। नेक्स्ट है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध जो है 1824 से 1826 में हुआ था। नेक्स्ट है, वे मेटल डिटेक्टर जिसमें होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो वह मेटल डिटेक्टर जो है जिसमें होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं यह जो है फैराडे का नियम पर संचालित होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो नागालैंड राज्य जो है संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण किया गया था यह जो है प्लेग व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के याद में किया गया था। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने जो है एशियाई खेलों में 1951 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनका नाम था आरती शाह। नेक्स्ट है, कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों के एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज जो है जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित पर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? तो एक सामाजिक सिद्धांत जो है संरचनात्मक व्यवहारकारिता है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि समाज जो है विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो। नेक्स्ट है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहद अनुकूल वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए जो बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया है इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेक्स्ट है, किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहता था? तो कोणार्क मंदिर को जो है यूरोपीय नाविकों द्वारा जो है ब्लैक पैगोडा भी कहता था। नेक्स्ट है, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? तो एक दोहरे घनत्व वाली जो है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता जो है 1.44 MB होता था। नेक्स्ट है, 2015 में हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतरोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी को क्या नाम दिया गया था? तो 2015 में जो है हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतरोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी को जो है माउंट कलाम नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोमीटर के एक बीच बॉल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, यह जो है सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में अपने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान किस भारतीय दार्शनिक और सुधारक की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है नवंबर 2015 में अपने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान जो है बसवेश्वर भारतीय दार्शनिक और सुधारक की प्रतिमा का अनावरण किया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज वन के 29/4/2016 के शिफ्ट वन को। तो पहला प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? तो गर्म हवा के गुब्बारों में जो है प्रोपेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के ताप नियमन यानी कि थर्मोग्लेशन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मनुष्य में जो है ताप नियमन जो होता है, थर्मोग्लेशन जो है, यह जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यानी कि जो मानव में जो टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, कंट्रोल है, यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारा दंतवल्क यानी कि एनामेल किससे बना होता है? तो हमारा दंतवल्क जो है यानी कि एनामेल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे नॉमिनल पार्टनर कहते हैं, नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, किस सारंगी वादक को 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंडित राम नारायण जो सारंगी वादक है इन्हें ही 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंग धैर्य जो है यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की जो तरंग धैर्य होती है सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप जो है फट जाते हैं, ऐसा जो है एक्सपेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में कौन सा बौनाग्रह मौजूद है? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो है सेरस जो है बौनाग्रह मौजूद है। नेक्स्ट है, खुजराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो खुजराहो मंदिर जो है वास्तुकला को नागर शैली के प्रकार के रूप में उजागर करता है। नेक्स्ट है, किस गैस में एक तीखी गंध यानी कि पुगेंट ऑडर होती है? तो अमोनिया गैस में जो है एक तीखी गंध होती है। नेक्स्ट है, चयनित पाठ की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजीपट पर किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो चयनित पाठ जो है यानी कि जिसे हम लोग कॉपी करना है यानी कि जिसे चयन किए हैं उसके लिए जो है कीबोर्ड पर Ctrl+C के द्वारा जो है उसे कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो है इसी कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है, मोनोजाइटिस रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो मोनोजाइटिस रेत में जो है थोरियम जो खनिज है यही मौजूद रहता है। नेक्स्ट है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? तो मेसोजोइक एरा युग के दौरान जो है डायनासोर फले फूले थे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के अनुसार जो है वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए जो है एलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक जो है लॉन टेनिस जो खेल या इसकी शुरुआत बर्मिंघम शहर से हुई थी। नेक्स्ट है, किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में जो है होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी का कोई भी रूप जो है बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वां संशोधन के अनुसार जो है संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होती है?
तो होमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु मौजूद होता है, हेमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु मौजूद होती है।